सुल्तान देश के बड़े फ्रीडम फाइटर थे। टीपू सुल्तान शहीद हुए जंग में अंग्रेज से लड़ते हुए। अगर उनका कोई स्टैचू बनाना चाहता है तो उसका हक है, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे फ्रीडम फाइटर्स की स्टैचू लग सकते हैं तो टीपू सुल्तान का भी स्टैचू लग सकता है। फ्रीडम फाइटर को लेकर कमोवे इसलिए है कि जिन लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट के अंदर कोई हिस्सा ही नहीं लिया, जो अंग्रेज के साथ खड़े थे, आज वो ये तय कर रहे हैं कि कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहे कि जब देश की आज़ादी के लिए देश के लोग अपना लहू दे रहे थे, खून दे रहे थे, तब वो कहाँ खड़े थे? वो तो अंग्रेज के साथ खड़े थे। और आज आप ये भी देखते होंगे कि जो लोग मुग़लों की मुखालफत करते हैं वो अंग्रेज़ों के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलते, जबकि अंग्रेज़ों ने इस देश के अंदर अथाह जुल्म किया है। मैं समर्थन करता हूं और मैं कहता हूं कि अगर कोई भी टीपू सुल्तान का स्टैचू लगाना चाहता है तो उसका हक है, वो लगा सकता है, इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, हैदराबाद आने को मजबूर किया जा रहा है, हालांकि प्राथमिकी दर्ज की गई है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पिछले 8 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इस तरीके के वाकयात कहीं ना कहीं होते चले आ रहे हैं। किसी से भी ज़बरदस्ती करना, दबाव बनाना, कुछ कहलाना गैर कानूनी है। जो भी ऐसा करे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा सवाल सर ये है कि असम के मुखिया कौन जीतने जा रहे हैं? देश के राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ तो पूरी दुनिया जानती थी कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। देश में जब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ, पूरी दुनिया जानती थी कि भारत के अंदर वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो क्या देश का लोकतंत्र ख़त्म हो गया? एक ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बन गया है जिसके पास न समझ है न सोच है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी भी डेमोक्रेसी है जैसी डेमोक्रेसी वो कांग्रेस में समझते? क्या बीजेपी के अंदर इस तरीके से वहाँ के अध्यक्ष का चुनाव होता है? अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। उनके इन आकलन देखिए, ये भी बगैर सोचे समझे दिया गया बयान है। चूंकि खुद आसाम के मुख्यमंत्री एक ही रात में अपनी विचारधारा बदल लेते हैं, इससे बड़ा नासमझी का कोई सबूत नहीं हो सकता। मेरी समझ में नहीं आती ये बात कि जो आदमी कांग्रेस की विचारधारा की बात करता हो एक ही रात में किसी लालच में एक दूसरी विचारधारा में चला जाए, बीजेपी की हिमायत करने लगे, और वो समझते हैं कि उन्हीं की तरह सारे देश के लोग हैं, तो ये नासमझी की बात है। मेरा मानना है कि ऐसे लोग जो जिस तरह लालच और ज़बरदस्ती से धर्म बदलते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, इसी तरह राजनीतिज्ञ जो एक दिन में अपनी विचारधारा बदल लेते हैं किसी लालच की वजह से, किसी दबाव की वजह से, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि शशि थरूर ने बिल्कुल ठीक कहा है, बीजेपी के अंदर कांग्रेस के जितने लोग गए हैं वो या तो लालच की वजह से गए हैं और या फिर ईडी और इनकम टैक्स के डर की वजह से गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डर की वजह से, लालच की वजह से अगर कोई राजनीतिज्ञ पार्टी बदलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इसी तरह होनी चाहिए जैसे ज़बरदस्ती या लालच में कोई अपना धर्म बदलता है। इसके लिए निश्चित तौर से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अमित शाह जी जिम्मेदार हैं, वो होम मिनिस्टर हैं, कश्मीर की सारी कानूनी व्यवस्था उनके तहत आती है। उनका कहना था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात बहुत ठीक हो जाएंगे, अभी भी वो दावा करते हैं कि कश्मीर के हालात ठीक हो गए। अगर कश्मीर के हालात ठीक हो गए तो ये कत्लेआम कैसे हो रहा है? इसके लिए मैं अमित शाह जी को ज़िम्मेदार मानता हूँ। अमित शाह जी ने ये भी कहा है कि वो तो होम मिनिस्टर हैं, वो इकोनॉमिस्ट तो नहीं है, वो अपना पोर्टफोलियो क्यों नहीं देखते? वो होम मिनिस्टर हैं, अपनी स्थिति देखें। ये मामला फाइनेंस मिनिस्टर का है
अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात है, वो आज की बात करते ही नहीं है, वो तो 5 साल की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कहते थे 22 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, क्या हो गई दुगनी? हमेशा 5 साल 10 साल के बाद की बात करते हैं और देश के लोगों को गुमराह करते हैं। एक सवाल सर और है, और उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपना पार्टी लॉन्च किया है, 370 हटने के बाद एक बड़ी रैली वो करने जा रहे हैं जिसमें 500 यूनिट फ्री बिजली देने की वायदा वो करेंगे। देखिए, इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं, हर आदमी को हक हासिल है कि वो अपनी पार्टी बनाए और देश के लोगों को जो भी लालच दे सकते हैं वो देने का काम करते हैं। राजनीतिक दल ये भी एक हिस्सा है उसी राजनीति का। इतना हंगामा क्यों? देखिए, ये एक सही कदम है कि 10% गरीबों को रिज़र्वेशन दिया गया है, गरीबों का हक हासिल है कि उनको रिज़र्वेशन मिले। अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी को रिज़र्वेशन 50% के आसपास है तो क्या देश के गरीब लोगों को यह हक नहीं दिया जा सकता? ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए अपनी राय पे। एक सर सवाल और, देखिए आम पार्टी कैसी पार्टी है ये एक अलहदा है, उनकी दो प्रांतों के अंदर सरकार है, लेकिन मैं आसाम के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो सच बोलती है? अगर आम पार्टी गलत बोलती है तो आप तो उससे 2 कदम आगे हैं। आपके पास न महंगाई का कोई इलाज है, न देश की इकोनॉमी का कोई इलाज है, न बेरोज़गारी का कोई इलाज है, आप तो सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। और ऐसे लोग जैसे आसाम के मुख्यमंत्री हैं वो तो उस नए मुल्ला की तरह हैं जो नया नया मुसलमान हो के 5 वक्तों की नमाज़ पढ़ता है। इसी तरह वो 5 वक्तों बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की खुशामद में लगे रहते हैं। देखिए, टीपू सुल्तान फ्रीडम फाइटर थे, जंग के मैदान में लड़ते हुए शहीद हुए हैं। टीपू सुल्तान की लाश इस धरती पर कई घंटे पड़ी रही है। अगर उनका स्टैचू कोई बना रहा है साउथ के अंदर तो वो ठीक काम कर रहा है। इस देश के लोगों को फ्रीडम फाइटर्स को याद रखना चाहिए और टीपू सुल्तान की एक बड़ी स्टैचू दिल्ली में भी बननी चाहिए ताकि नॉर्थ के लोग भी इतिहास को याद रखें और टीपू सुल्तान ने जो कुछ देश के लिए किया है उसको याद रखा जाए। तो आप उनके अभियान का समर्थन भी कर रहे हैं और दिल्ली में बनाने की मांग भी कर रहे हैं? बिल्कुल बननी चाहिए टीपू सुल्तान की। और वो लोग जो मुखालफत कर रहे हैं वो तो उस वक्त अंग्रेज़ के साथ खड़े थे। आप देखिए, वो लोग मुग़लों की तो मुखालफत करते हैं, मुग़लों के जुल्म की बात करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ के जुल्मों की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस वक्त खुद अंग्रेज़ के साथ खड़े थे। इसलिए आपने किसी भी नेता को नहीं देखा होगा कि वो बंगाल में हुए जुल्म जो अंग्रेज़ ने किए थे, लाखों लोग मार दिए थे, उसकी चर्चा नहीं करते, जलियांवाला बाग की चर्चा नहीं करते, सैकड़ों फ्रीडम फाइटर्स को जेलों के अंदर डाल दिया उसकी चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। सर आप कह रहे हैं कि सुल्तान, देखिए मैं फिर कहूँगा कि जो लोग अंग्रेज़ के साथ खड़े थे वो जवाहरलाल नेहरू की भी मुखालफत करते हैं, वो टीपू सुल्तान की भी मुखालफत करते हैं। अमित शाह जी ने तो गांधी जी तक के बारे में कह दिया एक चतुर बनिया था। मुझे शर्म आती है इस तरीके की बातें सुनते हुए कि नेता इस तरीके की बात कर सकते हैं, और वो इसीलिए करते हैं कि उनके पूर्वज अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है अगर इस तरीके की बात की जाए तो। आप पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की को कंपेयर किसी को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब ने अपनी अपनी जगह कुर्बानियाँ दी हैं। महात्मा गांधी महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू 9 साल जेल में रहे, टीपू सुल्तान लड़ते हुए धरती पर शहीद हुए और उनका लाशा कितने अरसे तक घंटों तक जमीन पे पड़ा रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।